अस्सलाम वालेकुम मैं हूं एम तैयाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन आज का सवाल ये है सोलर सिस्टम के पहले चार प्लैनेट्स रॉकी हैं चट्टानों के बने हुए हैं आखिरी चार प्लैनेट्स रॉक के बजाय गैसेस के बने हुए हैं क्यों क्या कभी आपने सवाल पूछा है अगर हम पहले चार प्लैनेट्स की बात करें तो उनके साइज़ छोटे हैं डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रॉक से बने हुए हैं रिंग्स नहीं है उनमें सरफेस उनकी बड़ी सख्त है और उनके चाँद बहुत कम होते हैं लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम की आउटर साइड पर चले जाएं, तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स आपको नज़र आएंगे वो गैसेस के बने होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं सबके गिर्द रिंग्स हैं लेकिन नज़र सिर्फ़ एक प्लानट के आते हैं डेंसिटी बहुत कम होती है चांद बहुत ज़्यादा होते हैं और सूरज से फ़ासला बहुत ज़्यादा है मैं आपको ले चलता हूँ माजी में तकरीबन चार अशारिया पाँच चार अशारे छः बिलियन साल पहले जब हमारा सूरज पैदा हो चुका था और उस वक्त सूरज की इतनी हरारत थी कि तमाम चीज़ें गैशो फॉर्म में थी गैसेस और मेटल्स भी इवन गैशो फॉर्म में थी लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेटल्स लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हुई और उसकी वजह थी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है सबसे पहले मैं आपको एवेपोरेशन बताता हूँ कि जब भी किसी लिक्विड को आप एक ख़ास टेम्परेचर देते हैं अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो वो एवेपोरेट कर देता है अपनी स्टेट बदल लेता है और गैशो फॉर्म में चला जाता है लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है अगर एक गैस को आप ठंडा करें तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी माया फॉर्म में आ जाएगी बिल्कुल इसी तरीके से ये जो टेम्परेचर होता है ये वेरी करता है कुछ गैसेस को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है लिक्विड फॉर्म में आने के लिए कुछ गैसेस को कम टेम्परेचर चाहिए होता है लिक्विड फॉर्म में आने के लिए मेटल्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी कंडेंस कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल गैसेस हाइड्रोजन मीथेन वाटर वेपर्स कम टेम्परेचर पर कंडेंस करते हैं मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कंडेंसेशन के लिए वो मेटल्स का बहुत ज्यादा होता है और यही चीज की पॉइंट है क्योंकि जब सूरज बना तो उसके गिर्द टेम्परेचर बहुत ज्यादा था लेकिन मेटल्स जो थी जो कि गैशो फॉर्म में रोटेट कर रही थी सूरज के गिर्द वो आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होना शुरू हो गई क्योंकि जैसे हम सूरज से थोड़ा सा आगे जाते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाते हैं तो मेटल सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सॉलिड फॉर्म में आई छोटी छोटी रॉक्स बनना शुरू हुई ग्रेन्स बनना शुरू हुए और उस ग्रेन ने मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपस में चिपकना शुरू हो गया साथ साथ वो मूव भी कर रहे हैं सूरज के तो हर लेन में कुछ देर के बाद एक क्लंप बनना शुरू हो गया जब ये क्लम्पस आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए एक पहाड़ी से ज़्यादा बड़े हुए तो फिर ग्रेविटी ने टेक ओवर कर लिया और कलम्प और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए और हमारे पास प्लैनेट्स की तश्ील होना शुरू हो गई रॉकी प्लैनेट्स आ गए क्योंकि ये सारे के सारे प्लैनेट्स डस्ट और मेटल से बने हुए गैसेस इस टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकती थी तो वो गैसेस की फॉर्म में रहीं लेकिन मेटल्स और डस्ट ने मिलकर रॉकी प्लैनेट्स को जन्म दिया अगर इन रॉकी प्लैनेट्स को देखें तो पहले दो प्लैनेट सूरज के बहुत करीब हैं इस वजह से उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है मरकरी और वीनस लेकिन जमीन और मार्स ऐसे इलाके में है जिसे गोल्डी लॉक कहा जाता है ये वो जोन है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में होता है जबकि वीनस और मरकरी में पानी स्टीम की फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकता तो इंसान के लिए ये जगह बहुत सूटेबल है ज़िंदगी के लिए ये जगह बहुत सूटेबल है अगर आप देखें ज़मीन और मरीफ दोनों गोल्डी लॉक में आ रहे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरज की उम्र बढ़ेगी सूरज का एरिया फैलेगा सूरज बाहर की तरफ ग्रो करेगा गोल्डी लॉक भी दूर जाएगा गोल्डी लॉक आहिस्ता आहिस्ता दूर जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन इस हिस्से से बाहर निकल जाएगी यानी ज़मीन के पानी भी स्टीम बन जाएंगे जब ये सारे प्लैनेट्स मार्ज वजूद में आ रहे थे तो उस वक्त शुरू के हिस्सों में हमारी यूनिवर्स बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार थी चीज़ें एक दूसरे से टकरा रही थी और बहुत ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन थी इसकी एक वजह हमें मालूम होती है मून से जब हम मून पर गए अपोलो मिशन मून पर गया और वहाँ से हमने 380 सौ मून रॉक उठाई और उसे लाकर बहुत सेफ़ जगह पर स्टोर किया ताकि उस पर तहकीक की जाए तो हमें पता चला कि उसमें से कई रॉक के हिस्से तो ऐसे थे जो जमीन के हिस्से जो कि जमीन के ही हिस्से थे तो क्या ये रॉक जमीन से मुंह तक गई फिर साइंसदानों ने इस पर बहुत ज्यादा गौर किया क्योंकि नेबुला थैरी ये कहती थी कि, कि किसी भी प्लानेट का मून नहीं हो सकता नेबुला थैरी के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं तो नेबुला थैरी ये कहती थी कि, कि किसी भी जो प्लानट है उसका मून नहीं हो सकता तो मून कहाँ से आए मून भी हमें बताते हैं कि हमारी यूनिवर्स जब शुरू में थी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुलिजन्स हो रही थी चीज़ों की आपस में टकरा रही थी चीज़ें और उसकी वजह से मून प्रोड्यूस हुए क्योंकि जब मून पर ज़मीन की रॉक मिलती है तो साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि सूरज के गिरद शुरू के वक्त तकरीबन 20 प्लानट मूव करते थे जब सूरज बना था तो उस वक्त उसके कुछ मिलियन सालों के बाद सूरज के गिर्द 20 प्लैनेट्स मूव करते थे उनमें से एक प्लैनेट जो कि मरीख जितना था जिसका नाम है थिया वो आकर जमीन से टकराया और जब वो जमीन से टकराया तो बहुत टूट फूट हुई रॉक्स आहिस्ता आहिस्ता जो जमीन और थिया से निकली थी वो जमीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता क्लंप करती गई इकट्ठी होती रही और आज उन सारी रॉक्स को हम चांद की सूरत में आसमान में देखते हैं तो हमारा ये ख्याल साइंसदानों का ये ख्याल कि चाँद शुरू से ही एग्जिस्ट करता है गलत है चाँद सूरज बनने के कुछ अरसे के बाद मार्ज वजूद में आया जबकि दो प्लैनेट्स आपस में टकराए मरीज से अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है जिसमें बहुत एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं जो कि एक घर से लेकर एक मील जितने बड़े हो सकते हैं हमारा एक एस्टिमेट है कि तकर हजार एस्ट्रॉय एक मील से भी ज्यादा बढ़े हम यह समझते हैं कि ये एस्ट्रॉयड एवरेज में एक दूसरे से दस लाख मील दूर होते हैं तो बहुत ज्यादा फासला होता है लेकिन तस्वीरों में हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत करीब है जैसे ही हम एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर निकलते हैं यहाँ पर बहुत बड़े एस्ट्रॉयड भी मौजूद है जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ तो हमारे पास फ्रॉस्ट लाइन आ जाती है ये वो लाइन है जिसे आगे जब हम जाएंगे आउटर साइड पर जाएंगे सोलर सिस्टम के तो अब पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा अब पानी आपको आईसी फॉर्म में मिलेगा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है माइनस सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ये वो टेम्परेचर है जिसमें गैसेस ऐसा ऐसा कंडेंसेट करना शुरू हो जाती हैं आपको हाइड्रोजन के कंपाउंड मिलेंगे आपको पानी मिलेगा आपको मीथेन मिलेगी आपको अमोनिया मिलेगी ये वो गैसेस मिलेंगी जो कि हैं तो सूरज के गिर्द घूमते घूमते ये गैसेस इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं जब इन गैसेस के बॉल का साइज ज़मीन से दस गुना ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक अफेक्ट होता है जिसे स्नो इफेक्ट कहते हैं अब ये गैसेज तेज़ी से इकट्ठी होती हैं जहाँ पर जुपिटर और सैटन मौजूद थे वहाँ पर ख़्याल किया जाता है कि बहुत ज़्यादा गैस की डेंसिटी मौजूद थी इसलिए इनके साइज़ेस बहुत बड़े हैं हमारे पास जो बड़े बड़े गैस चैंट्स हैं जिस तरीके से जुपिटर है 90 फ़ीसद गैसेज से बना हुआ इसका हमें फ़ायदा भी बहुत है क्योंकि एक बड़े भाई का रोल अदा करता है ज़मीन के लिए जब भी ज़मीन की तरफ कोई भी कॉमेट आने की कोशिश करता है कोई एस्ट्रॉड आने की कोशिश करता है या कोई भी स्पेस रॉक आने की कोशिश करता है तो ये सबसे पहले उसके सामने दीवार बन के खड़ा होता है वो इसकी ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम से बाहर निकलता है या उसमें ट्रैप हो जाता है लेकिन वो ज़मीन की तरफ आ नहीं पाता और ना ही वो ज़मीन को नुकसान पहुंचा सकता है तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा है जुपिटर का क्योंकि ये हमें महफूज भी रखता है बाहर के ख़तरा से अब हम आते हैं सैटन की तरफ जिसके रिंग्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और हम देख सकते हैं लेकिन ये बताता चलूँ आपको कि रिंग्स सब गैस प्लानट्स के होते हैं जुपिटर के रिंग्स मौजूद हैं यूरेनस के भी रिंग्स मौजूद हैं नेपचून के भी होते हैं लेकिन सैटन के रिंग्स हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और उसकी वजह यह है कि सैटन के रिंग्स आईसी रिंग्स होते हैं जिन पर रोशनी जब पड़ती है तो वो ग्लो करते हैं जब भी हम दूसरे सोलर सिस्टम्स को देखते हैं जो कि आसमानों में है तो हमें अंदाज़ा होता है कि अगर सैटन बड़ा होता ज़रा सा भी और जुपिटर के साइज़ का होता तो फिर ये दोनों जाइंट्स मिलकर तमाम बाकी प्लैनेट्स को खा जाते हैं, उनको सोलर सिस्टम से नॉकआउट कर देते हैं इसलिए इसका साइज़ जुपिटर से छोटा होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इसी की वजह से आज जिंदगी सोलर सिस्टम में मौजूद है आपको इसके रिंग्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और अगर हम इससे भी बाहर निकले तो हमारे पास दो और गैस चैंड्स आते हैं जो कि यूरनस और नेपच्यून हैं जो कि काफ़ी फासले पर हैं और प्लूटो को अब हम डॉफ प्लानट के तौर पर जानते हैं उसका प्लानट का स्टेटस वापस ले लिया गया जब हम सूरज से चालीस बिलियन मील दूर जाते हैं तो हम एक बेल्ट को इनकाउंटर करते हैं जिसे कूपर बेल्ट कहा जाता है आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत से एस्ट्रॉयड मौजूद होते हैं सत्तर हजार बर्फ की रॉक्स एस्टिमेटेड हैं इसके अंदर मौजूद हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट से तकरीबन बीस गुना बड़ी होती है अगर मैथ में देखा जाए तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से बीस से दो सौ गुना ज्यादा मैसिव होती है बहुत बड़ी बेल्ट है ये और ये हमारे सोलर सिस्टम की आउटर बाउंड्री बनाती है लेकिन सोलर सिस्टम यहीं पर ख़त्म नहीं होता कूपर बैट से आगे जाएं तो ओट बैट है हमारे पास ओट क्लाउड है रिपीट तो हमारे पास ओट क्लाउड है जिसने हर तरफ से हमारे सोलर सिस्टम को कवर किया हुआ है जिस तरीके से छिलके ने किन्नू को कवर किया होता है और लाइट को सूरज से लेकर इस क्लाउड तक पहुंचने के लिए एक साल ट्रैवल करना पड़ेगा यानी ये एक लाइट ईयर सूरज से दूर है और हमारी आखिरी हद है सोलर सिस्टम की आखिरी हद है इसके बाद सोलर सिस्टम का बाकायदा अख्तितम हो जाता है तो कंडेंसेशन ही वो प्रोसेस था जिसकी वजह से मेटल्स ने पहले चार प्लैनेट्स बनाए जो कि रॉकी हैं और गैसेस ने आखिरी चार प्लैनेट्स बनाए जो कि गैस जाइंट्स हैं असल मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन क्या आपने कभी ग़ौर किया है कि ज़मीन पर पानी मौजूद है लेकिन मरीख पर और चाँद पर आपको पानी नहीं मिलता अगर हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन आज से चार अषार या पाँच बिलियन साल पहले मार्द वजूद में आई जब बहुत सी रॉक्स आकर आपस में लग रही थी और उस वक्त सोलर सिस्टम की बर्थ हो रही थी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बनती गई लेकिन अभी ज़मीन बन ही रही थी कि ज़मीन से एक बहुत बड़ा प्लानट आकर टकराया जिसे थिया कहा जाता है और इस प्लानट के टकराने की वजह से हमारा चाँद मारज़ वजूद में आया अगर आप ज़मीन का उम्र का पैमाना देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ज़मीन चार अशारिया पाँच छः साल पहले बनी और उसके बाद एक प्लेनेट आया वो टकराया फिर हमारे पास ऐसे क्रिस्टल्स आए जिनको जरकोन्स कहा जाता है जिनके ज़रिए आज हम ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा भी लगाते हैं और भी बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज़ इन क्रिस्टल्स पर की जा रही हैं फिर हमारे पास 3.9 बिलियन साल पहले एक इवेंट हुआ जिसे लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है और इस इवेंट में एस्ट्रॉड बैट से और दूसरी बैट से कूपर बैट से बहुत से एस्ट्रॉयस और बहुत से कॉमेट्स आकर ज़मीन से मरीख से चाँद से और मुख्तलि सारों से टकराए हम ये समझते हैं कि इस इवेंट ने ज़मीन को मिनरल्स दिए मेटल्स दें और पानी भी दिया पानी ज़मीन पर आ चुका था तीन अशारिया नौ बिलियन साल के आसपास और उसके बाद फिर ज़िंदगी ने ज़मीन पर आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता जानवर पैदा हुए और फिर इंसान पैदा हुए लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड इसकी ज़रूरत क्यों है और किस तरीके से इसने ज़मीन के पानी को बचा कर रखा इससे पहले कि मैं आपको जियोलॉजिकल डायनोमो पढ़ाऊँ आपको डायनमो के बारे में जनरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हिस्सा स्टेटर है आपको एक मैग्नेट दिखाया गया है जो कि स्टैटिक है रुका हुआ स्टे, स्टेशनरी है इसे स्टेटर कहा जाता है और बीच में एक रोटर है जहाँ आपको एक चीज मूव करती हुई नजर आ रही और जब ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को रोटर काटता है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस को हम बहुत मरतबा पढ़ चुके हैं और मैं आपको डायनमो का प्रोसेस बता रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस हो रहा है हमारी ज़मीन में तो मूवमेंट की बहुत ज़रूरत होती है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए मैं अगर आपको अपनी ज़मीन की साख दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन की मुख्तलिफ़ लेयर्स हैं जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको क्रस्ट कहा जाता है फिर हमारे पास मेंटल आती है और उसके बाद हमारे पास कोर आती है कोर के दो हिस्से बीच में सॉलिड कोर है जो कि आयरन और निकल की बनी हुई है गेंद की तरह है मौजूद है हमारी कोर जो कि आयरन और निकल की बनी हुई है और उसके इर्द गिर्द एक स्वर्लिंग कोर है जो कि लिक्विड की बनी हुई है जो कि हर वक्त मूव कर रही होती है तो आप देखें कि एक स्टैटिक कोर है और एक रोटेटिंग या डायनेमिक कोर है और इस लिक्विड पार्ट जो कोर का है की वजह से ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है क्योंकि ज़मीन एक जियोलॉजिकल डायनमो है और ये मैग्नेटिक फील्ड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करती है मतलब बहुत बड़ी होती है हम ये जानते हैं कि ज़मीन की कोर चार अशारिया पाँच बिलियन साल पहले मार्ज वजूद में जब बहुत से रॉक्स आकर आपस में लग रही थी और उसके बाद जब थिया के साथ भी कुलजन हुई तो ज़मीन की कोर उस वक्त इंटैक्ट थी बन चुकी थी आज की साइंस ये कहती है कि ज़मीन की कोर तो उस वक्त से आ रही है लेकिन जो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ज़मीन के, के गिरद एक शील्ड बनाती है ज़मीन को बचाती है सूरज से क्योंकि सूरज से हमारी ज़मीन की तरफ कई नेज़े फेंके जा रहे हैं उनमें से रेडिएशन हैं जो कि ज़मीन की तरफ आती हैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो एक शील्ड ना हो तो हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं यूवी लाइट से हमें स्किन कैंसर हो सकता है इसी तरीके से बहुत सी ऐसी रेडिएशन हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्कट्री को बिल्कुल बॉयल कर सकते हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं तो ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उन रेडिएशन से बचाती है बल्कि उनको डाइवर्ट करती है नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जहाँ पर वो रोशनियाँ बनाते हैं सब्ज़ रंग की रोशनियाँ आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर नज़र आती हैं जिन्हें नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स भी कहा जाता है उन पर मैं बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ और उसके साथ साथ ज़मीन की तरफ जो सूरज हाई एनर्जी वेव्स भेजता है जो सोलर फ्लेयर्स भेजता है जो कोरोना मास इजेक्शन करता है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाती है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़मीन पर ना हो तो सूरज की रेडिएशन डायरेक्ट आकर अगर जमीन से टकराती हैं तो ज़मीन के टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएंगे और उसका मतलब यह है कि जमीन पर जितना भी पानी मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता अवेपोरेट करना शुरू हो जाएगा और स्पेस में स्केप करना शुरू हो जाएगा तो ये बहुत अहम है कि जमीन के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमारी प्रोटेक्शन कर रही है लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कोर के मूवमेंट से जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाई है जब हमारी जमीन मार्ज वजूद में आई चार अशारिया छह बिलियन साल पहले चार अशारिया पांच बिलियन साल पहले तो उस वक्त ये कोर बिल्कुल लिक्विड थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये कोर सॉलिड होना शुरू हो गई तकरीबन पॉइंट सिक्स बिलियन साल पहले ज़मीन की कोर सॉलिड होना शुरू हुई और अब काफ़ी हिस्सा इसका सॉलिड हो चुका है तो जब ये पूरी सॉलिड हो गई तो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी तो शुरू में मोल्टन फॉर्म थी जमीन जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लेट्स डेवलप होना शुरू हुई और अब हम जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स जमीन पर मौजूद हैं तो चलें हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड कितनी पुरानी है इसका एक तरीका तो यह है कि हम पुरानी रॉक्स को इकट्ठा करें पहले उनकी कार्बन डेटिंग करें अंदाज़ा लगाएं कि कितने बिलियन साल पुरानी ये रॉक्स हैं और जब हमें पता चल जाए कि ये रॉक बहुत पुरानी है तो फिर उसके मैग्नेटिक पार्टिकल्स को देखा जाए और देखा जाए कि क्या वो अलाइन है कि नहीं अलाइन अगर तो वो अलाइन है एक ही तरफ को सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स डायरेक्शन उनकी एक है उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक है तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये उस जमाने में पैदा हुए जब, जब जमीन की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुकी थी इसीलिए ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया आज की साइंस कुछ हरसे पहले तक ये समझती थी कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड तीन अशार्य दो बिलियन साल पुरानी है क्योंकि हमें तीन अशार्य दो बिलियन साल पुरानी ऐसे रॉक्स मिल चुके हैं जिनके मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलाइन थे और उसके बाद फिर आगे रिसर्च हुई और ये फिगर तीन इशारिया पांच मिलियन साल तक आ चुकी अगर आप जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो इसके बारे में कुछ चीजें जानने की बड़ी जरूरत है वही है कि तकरीबन एक मिलियन साल के अंदर जमीन की मैग्नेटिक फील्ड चार से पांच मरतबा अपनी पोलैरिटी बदल लेती है यानी साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ जाता है तो 10 लाख साल में पांच मरतबा अब आपका सवाल ये होगा कि जब यह मैग्नेटिक फील्ड स्विच करती है तो उस वक्त ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो आहिस्ता आहता ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड कम होती हैं कम होती है कम होती है और फिर एकदम जब वो स्विच करने लगती है तो उस वक्त कुछ हिस्सा ऐसा होता है जब ये बहुत वीक हो चुकी होती है और अगर हम उस हिस्से में जिंदा है ज़मीन पर तो हमारे लिए सूरज की रेडिएशन से बचना नामुमकिन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगी दो लाख साल के बाद तकरीबन ये इवेंट होता है पिछला इवेंट पैंतालीस हजार साल पहले हुआ जमीन की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो अब जो अगला इवेंट आएगा वो डेढ़ लाख साल या एक लाख साल के बाद आएगा लेकिन जमीन की मैग्नेटिक फील्ड काफी तेजी से कम हो रही है साइंसदानों का ये ख्याल है मैं आपको यहां पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जियोलॉजिकल पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल और एक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं तो ज़मीन के जियोलॉजिकल पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स के बीच में तकरीबन ग्यारह इशारिया पाँच डिग्री का फर्क है ये दो अलग अलग एंटिटी हैं जियोलॉजिकल पोल्स चेंज नहीं होते लेकिन मैग्नेटिक पोल्स हर दो लाख साल के बाद तकरीबन इतने टाइम के बाद प्लेरिटी चेंज कर लेते हैं आज की साइंस हमें यह भी बताती है कि जमीन का वो हिस्सा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से कम हो रही है वो हमारे लिए तश्वीश का बास है पिछले 200 सालों के अंदर अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक अटलांटिक का जो हिस्सा है उसमें कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से कम हो रही है इसे साउथ अटलांटिक अनोमली कहा जाता है और तकरीबन 1970 से 220 तक तो ये बहुत तेज़ी से कम हुआ और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है तो हम चलते हैं एक साइंसदान की तरफ जिनका नाम है डॉक्टर जॉन ए कार्डोनो जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर यूएसए के अर्थ साइंसिस के डिपार्टमेंट के डीन है और उन्होंने रिसर्च की उन्होंने बहुत पुराने जिरकॉन क्रिस्टल्स ढूंढे क्योंकि जिरकॉन क्रिस्टल्स बहुत पहले ज़मीन पर आ चुके थे और उनकी मैग्नेटिक फील्ड को देखा मैग्नेटिक पार्टिकल्स की अलाइनमेंट को देखा और उन्हें अंदाजा हुआ कि वो तो सारे अलाइंड हैं तो उन्होंने कहा कि जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम अज कम कम अज कम का वर्ड कॉमन बहुत अहम है कम अज कम चार अशारिया दो बिलियन साल पहले बन चुकी थी यानी इससे पहले उनकी जो एग्जैक्ट फिगर है जो जिरकॉन उन्होंने लिया वो चार अशारिया चार बिलियन साल पुराना था तो उन्होंने कहा जी कि जमीन की मैग्नेटिक फील्ड तो उस वक्त तक बन चुकी थी लेकिन जब उनकी स्टडी को पीयर रिव्यू में भेजा गया और बहुत से साइंसदानों ने उनकी स्टडी को किया तो एम के ग्रुप ने भी उनकी स्टडी ली और उसको रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब की जो फाइंडिंग्स है वो ठीक नहीं है क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया और इंस्ट्रूमेंट ठीक तरीके से यूज़ नहीं किए गए इसलिए चार अशर्या दो बिलियन साल पहले मैग्नेटिक फील्ड का होना ये वाजिब नहीं होता इससे तो अभी तक साइंटिफिक जो दुनिया है वो आपस में इस चीज़ पर मुबासे में और एविडेंस की तलाश में है कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड कितनी पुरानी है जब ज़मीन बनी तो उस वक्त ज़मीन पर वॉलैनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी वॉलैनोज थे जो कि फटते थे इरप्ट करते थे और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन अमोनिया वो ज़मीन के ऊपर एक गिलाफ की तरह फैलती जा रही थी ज़मीन की इन्वायरमेंट बना रही थी अगर आप ज़मीन का ग्राफ देखें तो आपको शुरू शुरू में यहां पर मीथेन नज़र आएगी अमोनिया नज़र आएगी और हाइड्रोजन हीलियम नज़र आएगी लेकिन पानी उसके बाद आया पानी उस वक्त आया जब तीन अशारिया नौ बिलियन साल पहले लेट हैवी बम्बार्डमेंट हुई बहुत सी रॉक्स आई वो रॉक्स तकरीबन बीस मिलियन सालों तक ज़मीन पर गिरती रहीं और उनसे हमें ऐसा लगता है कि ज़मीन पर पानी आया तो ज़मीन की जो एटमॉसफियर थी वो तो शुरू में ही बनना शुरू हो गई लेकिन इस एटमॉसफेयर को जब पानी आया पानी को बचाने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत थी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूरज की रेडिएशन से हमने बचना था और पानी को भी बचाना था अगर उस वक्त तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी होती तो ज़मीन का भी वही हाल होता है जो चांद का है रेडिएशन आती हैं और वो ज़मीन को इतना गर्म कर देती है कि वो सारा का सारा जो पानी था वो स्पेस में हाइड्रोजन बनकर उड़ जाता लेकिन आज की साइंस वही कहती है कि उस वक्त भी मैग्नेटिक फील्ड इतनी पावरफुल नहीं थी और ज़मीन का एक चौथाई पानी स्पेस में गायब हो गया तो जो पानी ज़मीन पर आया वो सारा का सारा आज हमारे पास मौजूद नहीं है बल्कि अगर उसके चार हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा अभी भी ज़मीन का ज़ाया हो चुका है पानी स्पेस में तो ज़मीन ने अपना पानी इसलिए अपने पास रखा कि ज़मीन के पास एटमॉस्फेयर थी और ज़मीन के पास मैग्नेटिक फील्ड थी जिसकी वजह से वाटर साइकिल आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर आगे चलना शुरू हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना सिर्फ ज़मीन पर ज़िंदगी आई बल्कि ज़मीन पर ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जितने अज्जा हैं वो भी आज तक महफूज हैं अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन जब भी हम चाँद की तरफ देखते हैं तो चाँद पर हमें बड़े बड़े धब्बे नज़र आते हैं टेलीस्कोप के साथ अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े गड़े हैं और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि चांद पर कभी बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो चुकी है स्पेस रॉक्स चांद से टकराई हैं कई गड़े 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़े हैं इन गढ़ों पर रिसर्च करने के लिए जब अपोलो मिशन चांद पर गया तो वो 380 किलोग्राम मून रॉक्स लेकर ज़मीन पर आए आप देख सकते हैं कि इन रॉक्स को हमने एक स्पेशल फैसिलिटी में रखा है जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है लेकिन जब इन तमाम रॉक्स को हमने कार्बन डेट किया कार्बन डेटिंग पर मैं वीडियो बना चुका हूँ आप यूट्यूब पर तख्ती प्लस कार्बन डेटिंग लिखेंगे तो आपको वो वीडियो नज़र आ जाएगी तो जब हमने इन रॉक्स को कार्बन डेट किया इनकी उम्र पता चलाने की कोशिश की तो इन तमाम रॉक्स की उम्र आ रही है तीन अशारिया नौ बिलियन साल ये साइंसदानों के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात थी कि एक ही उम्र क्यों आ रही है हमारा सूरज चार अशारिया पाँच बिलियन साल पहले मारज़ वजूद में आया हमारी ज़मीन तकरीबन चार बिलियन साल पहले मारज़ वजूद में आई बनना शुरू हो गई और हैवी बंपार्टमेंट जो कि मैं आपको बता रहा हूँ जो मून से हमें रॉक्स मिली वो तीन अशारिया नौ बिलियन साल पुरानी है लेकिन तीन अशारिया नौ बिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ साइंसदानों ने ज़मीन की तरफ तोजह की और ज़मीन में भी देखना शुरू किया तो उनको बहुत से ऐसे नस्बता कम लेकिन बहुत से ऐसे गढ़े नज़र आए जो कि तीन अशारिया नौ बिलियन साल पहले बने थे इसका मतलब ये है कि तीन अशारिया नौ बिलियन साल पहले आसमान से पत्थरों की स्पेस रॉक्स की एक बारिश हुई थी जिसने चांद को मरीख को ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया इस पूरे प्रोसेस को लूनर कैटेक्लिज्म कहा जाता है लूनर कैटेक्जम के, के बारे में मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ लेकिन जब हमने इन रॉक्स पर और ज़्यादा रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये रॉक्स तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से आई हैं यही वो रॉक्स हैं जिन्होंने चाँद को और जमीन को बहुत सी मेटल्स भी दी इन रॉक्स में बहुत ज़्यादा मेटल्स भी मौजूद थी और इन रॉक्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी मौजूद थे इनके फ़ायदे भी हमें बहुत ज़्यादा हुए जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ लेकिन ये कैसे पता चला कि ये रॉक्स एस्ट्रॉयड बेल्ट से आई हैं क्योंकि एस्ट्रॉयड बेल्ट से आज भी मुख्तलफ़ रॉक्स ज़मीन पर गिरती हैं और हम उनका एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं जब इन रॉक्स को उन रॉक्स के मुकाबले में रखा गया तो हमें पता चल गया कि ये रॉक्स वही स्ट्रक्चर रखती हैं वही एलिमेंट्स रखती हैं जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं अगर इनकी केमिकल कंसिस्टेंसी एस्ट्रॉयड बेल्ट से मिलती है तो फिर तीन अशारिया नौ बिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ हमारे सोलर सिस्टम में कि एस्ट्रॉयड बेल्ट बिल्कुल तितर बितर हो गई और उनकी रॉक्स ने अंदर वाले अंदरूनी सियारों को निशाना बना लिया इसका जवाब आया 2004 में क्योंकि साइंसदानों ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की थेरीज़ दी गई लेकिन दो हज़ार चार की ये थेरी ज़्यादातर एक्सेप्ट की जा रही है हम ये समझते हैं कि प्लानस हमेशा उन्हीं मदारों में घूम रहे हैं जिन मदारों में वह आज से चार बिलियन साल पहले घूमते थे लेकिन ये थेरी कहती है कि ऐसा नहीं है इब्तदाई तौर तो पर सूरज के गर्द बीस प्लानट्स घूमते थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपस में टकराने के बाद वो बहुत कम रह गए लेकिन जो ओरिएंटेशन, जो तरतीब प्लैनेट्स की आज सूरज के गिर्द घूमने की है वो पहले नहीं थी बीच में बदली है प्लैनेट्स ने अपनी जगहों को अपने मदारों को अपने ऑर्बिट्स को स्विच किया है और ये कब हुआ ये आज से तीन अशारिया नौ बिलियन साल पहले हुआ जब भी जुपिटर और सैटर्न जो कि बहुत बड़े गैस जैंट्स हैं वो सूरज के गिरद घूमते हैं तो कुछ अरसे के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं आपस में बहुत ज़्यादा करीब आते हैं और उसकी वजह से वो रेजोनेट करते हैं उनकी अमूमन रेजोनेशन आपस में एक दूसरे की मावनत कर रही होती है लेकिन तीन अशारिया नौ बिलियन साल पहले एक वक्त ऐसा आया जब ये दोनों स्यारे एक दूसरे के करीब आए और इनकी रेजोनेंस में एक तब्दीली आई इनमें एक दूसरे को अपोज करना शुरू किया जंग लग गई इनके बीच और जब दो पहलवान बड़े आपस में लड़ रहे हो तो उसका असर पूरे सोलर सिस्टम पर जाना था यूरेनस और ने इस वक्त अपने ऑर्बिट बदल दिए तो जो ऑर्बिट आज हमें यूरेनस और के नजर आ रहे हैं यह तीन नौ बिलियन साल पहले ऐसे नहीं थे उस वक्त तीन आशारिया नौ बिलियन साल पहले और ने अपने ऑर्बिट्स बदल लिए जब ये दो पहलवान आपस में लड़ाई कर रहे थे तो एस्ट्रॉयड बैड से बहुत से पत्थर बड़े बड़े पत्थर वो ज़मीन की तरफ आए मरीख की तरफ आए मरकरी वीनस की तरफ आए और उन्होंने सब पर बम्बार्डमेंट की उन्होंने चाँद पर भी बम्बार्डमेंट की लेकिन मरीख और चाँद पर यह बम्बार्डमेंट हमें ज़्यादा नजर आती ज़मीन की बम्बार्डमेंट इसलिए छुप गई क्योंकि उसके ऊपर एक एटमॉसफियर थी और फिर पानी आया जिसने बड़े बड़े निशानात को छुपा दिया इस पूरे प्रोसेस को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है गोया कि ये बंबार्डमेंट तीन आशारे नौ बिलियन साल पहले हुए लेकिन ये बहुत थोड़े अरसे के लिए हुए बहुत थोड़े अरसे के लिए ये पत्थर आकर ज़मीन से टकराए और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज की साइंस ये समझती है कि इन पत्थरों की वजह से ज़मीन पर जिंदगी का आगाज हुआ क्योंकि इन पत्थरों में नमकियात थी ऑर्गेनिक मटीरियल था इन पत्थरों में मेटल भी थी लेकिन ज़मीन पर जिंदगी आने के लिए तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है और जब हम पानी को देखते हैं और उसकी उम्र का ज़मीन पर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं तो वो भी हमें इसी एरा के आसपास नज़र आता है तो इसका मतलब यह है कि तीन आशार नौ बिलियन साल के कुछ अरसे बाद पानी भी ज़मीन पर आ चुका था लेकिन ये पानी कहाँ से है क्या उसका ताल्लुक भी इन पत्थरों से है आज जब हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के पत्थरों को नासा ने जाकर उनको माइन किया तो हमें पता चला कि उनके अंदर गैसेस भी होती हैं और उनके अंदर पानी भी मौजूद होता है लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा नहीं है कि वह जमीन का दो तिहाई हिस्सा कवर कर ले ये पानी तो कहीं और से आया और अब हम ये जानते हैं कि ये पानी कूपर बेल्ट से आया है मैं आपको कूपर बेल्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कूपर बैट में कॉमेट्स मौजूद होते हैं कॉमेट्स ऐसी आइसी रॉक्स होती हैं जिनमें गैसेस और पानी दोनों आइस की फॉर्म में मौजूद होते हैं तो जब एक कॉमेट सूरज के करीब आता है तो वो एक दुमदार तारा बन जाता है क्योंकि उसकी गैसेस अवेपोरेट कर रही होती हैं और वो एक दुम की सूरत में नमोदार हो जाती हैं आज हम ये समझते हैं कि बहुत से कॉमेट्स जो कि कूपर बेल्ट में थे वो भी इस इवेंट के दौरान आए और ज़मीन से टकराए और उन्होंने ज़मीन को अपना पानी फ्राहम किया क्योंकि उस वक्त ज़मीन के टेम्परेचर दो हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड थे जो तो ज़मीन का इतना ज़्यादा टेम्परेचर था और उसके बाद पानी ज़मीन पर आया पानी एवेपोरेट हुआ फिर बारिश हुई उसने आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को ठंडा करना शुरू किया साइकिल का आगाज़ हुआ अब जमीन के पास नमकियात भी थी अब जमीन के पास पानी भी था और ज़मीन आहिस्त ठंडी हो रही थी तो एटमॉस्फेयर भी बन रही थी और ये मुकम्मल रेसिपी है लाइफ के आने के लिए हम अगली वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि पहला सेल कैसे बना लाइफ ज़मीन पर कैसे लेकिन लाइफ के आने के लिए पानी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कूपर बैट क्योंकि ओट क्लाउड से ज़्यादा करीब है इसलिए ज़्यादा ख्याल ये किया जाता है कि ये जितने भी हमारे पास आईसी रॉक्स आई ये कूपर बेल्ट से आई ये ओट क्लाउड से नहीं आई और इन में से कुछ रॉक्स 600 मील लंबी थी इतना ज़्यादा पानी उनमें मौजूद था और इस पानी के आने के बाद ज़मीन पर जिंदगी कैसे आई ये मैं आपको अगली वीडियोज में बताऊँगा अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि जमीन पर एक मरतबा पत्थरों की बारिश भी हुई है और पत्थरों की बारिश मुस्तबिल में भी हो सकती है अगर जुपिटर और सैटन दोबारा इसी जंग में जाते हैं वालेकुम मैं हूँ दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कदीम यूनानी जब भी सूरज की तरफ देखते थे तो वो हमेशा सूरज को आसमान में मूव करता हुआ अपनी जगह बदलता हुआ देखते थे और उनका ये ख्याल था कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है चांद भी ज़मीन के गिर्द घूमता है ये मफरूज़ा कोई नई बात नहीं है यूनान से पहले उनसे भी कदीम कौमें समझती थी कि ज़मीन के, के गर्द चीज़ें मूव करती हैं जिसे जियो सेंट्रिक मॉडल कहा जाता है और फिर आए एक साइंसदान जिनका नाम है पोटालमी और उन्होंने अपना मॉडल दिया उनके मॉडल के मुताबिक ज़मीन बिल्कुल निज़ाम शमसी के बल्कि कायनात के बीच में है और सारी चीज़ें ज़मीन के गर्द घूमती हैं सूरज भी ज़मीन के गर्द घूमता है इसलिए यह सूरज हमें कभी निकलता हुआ मशरक से नजर आता है और कभी मगरब में गरूब होता हुआ नज़र आता है बज़ाहिर ज़मीन बिल्कुल साकििन है पुटालमी के इस मफरूज़े को और इस हाइपोथेसिस को बहुत ज़्यादा शहरत मिली और हज़ारों साल तक लोग इस मफरूज़े को सामने रख कर रिसर्च करते रहे जब मुसलमानों का दौर आया तो शुरू शुरू में मुसलमानों को यूनानी ज़ुबान समझने में बहुत मुश्किल होती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने यूनान का इल्म अरबी ज़ुबान में लाना शुरू कर दिया जब पुटालमी की किताबें और सहीफ़े अरबी ज़ुबान में आए तो मुसलमानों ने पुटालमी के मॉडल को समझना शुरू किया और उन्हें एहसास होना शुरू हुआ तकरीबन 700 साल लगे उन्हें एहसास होना शुरू हुआ के पोटालमी के मॉडल में बहुत सी गलतियाँ हैं और बहुत सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी मौजूद है तो उन्होंने पोटालमी के मॉडल को चैलेंज करना शुरू कर दिया बहुत से मुसलमान एस्ट्रोनोमर्स, मैथमेटिशियंस ने पोटालमी के मॉडल को चैलेंज किया कि ज़मीन के गिर्द सारी चीज़ें नहीं घूमती लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ दो का नाम लूंगा जिनमें एक है नासिरन अल अलूसी आसानी से इनको नासिर तुसी कहा जाता है और इन्होंने प्लानेट्री मोशन को बहुत ऑब्जर्व किया सियारों की हरकत को बहुत गौर से देखा और उनको नोट किया बारह साल तक इन्होंने सियारों की हरकत को नोट किया और फिर इन्होंने एक जोमेट्रिक शेप दी जिसे तूसी कपल कहा जाता है जिसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और इनका ये कहना था कि कोई चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में भी है तो हम अगर उसको देखेंगे तो हमें लीनियर मोशन नज़र आ सकता है यानी कि लीनियर मोशन दो सर्कुलर मोशन से भी उनको सम करके लिया जा सकता है तो जब हम दूर से प्लैनेट्स को देखते थे तो वो हमें लीनियर मोशन करते हुए नज़र आते थे इस वजह से हम ये समझते थे कि वो हमारे गिर चक्कर लगा रहे हैं लेकिन तूसी का ख्याल था कि वो सर्कुलर मोशन में भी मूव कर सकते हैं तुसी के इस काम को आगे बढ़ाया इब्न अल शातिर 1304 से लेकर 1375 सौ पचहत्तर ए डी अरब एस्ट्रोनर थे बहुत बड़े साइंसदान थे और इन्होंने भी प्लेनट्री मोशन की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा नोट किया सारों की चाल को बहुत गौर से देखा और बड़े बड़े टेबल्स बनाए इन्होंने पुटालमी के मॉडल को बहुत ज़्यादा चेंज किया इनकी किताब कि है अल जिच अल जिसमें इन्होंने बहुत सा डेटा हमें दिया जिसमें ये साफ़ इशारे रहे थे कि ज़मीन के गर्द चीज़ें घूमती नहीं हैं कपर्निकस उसके बाद आए और उन्होंने चौदह में हिलियोसेंट्रिक मॉडल दिया जिसमें कहा जाता है कि सूरज सेंटर में है हमारे निज़ाम शमसी के और सियारे उसके गर्द घूम रहे हैं लेकिन हैरानी की बात ये है कि अगर आप नासिर तुसी की किताबें देखें और उनका तुसी कपल देखें और उसके साथ अगर आप कपनी की किताब देखें तो आपको नज़र आएगा कि उन्होंने कई तस्वीरें बहुत सा डेटा नासिर तुसी और शातिर से लिया लेकिन उनका नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया गया तो उन्होंने क्लेम किया कि ये उनका अपना डेटा है लेकिन आज हम जानते हैं कि कपर्निकस ने हेलियोसेंट्रिक जो मॉडल दिया वो सिर्फ़ उनकी अपनी मेहनत नहीं थी बल्कि उसके पीछे साइंसदानों का एक बहुत बड़ी चेन थी फिर हमारे पास आते हैं गलेलियो गलेलियो को कौन नहीं जानता गलेलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाई और उसके जरिए उन्होंने मुशाह करना शुरू किया ज़मीन का ज़मीन के इर्द गिर्द और प्लैनेट्स का सूरज का और उन्होंने डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने देखा कि उन्हें मून के चाँद के फेजेस नज़र आना शुरू हो गए उन्हें दूसरे प्लैनेट्स के भी फेजेस नज़र आना शुरू हो गए और उन फेजेस से उन आदि शक्लों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि हर चीज़ सूरज के गिरद घूम रही है उन्होंने सूरज पर भी बहुत तहकीक की और फिर बताया कि सूरज भी रोटेट कर रहे हैं ज़मीन की रोटेशन के बारे में बताया गर्ज़ के टैलीस्कोप ने हमें उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जो कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल में हमें नज़र आ रहा था आज हम जानते हैं कि ज़मीन अपने गिरद एक चक्कर 24 घंटे में लगाती सूरज के गर्द सूरज के सामने ज़मीन का जो हिस्सा होता है वहाँ हमें सूरज की रोशनी की वजह से दिन मिलता है और जो हिस्सा ज़मीन का सूरज की तरफ नहीं होता वहाँ हमें रात मिलती है और क्योंकि ज़मीन घूम रही है अपने गिर्द, इसलिए हमें दिन और रात का एक हिसार मिल रहा है लेकिन ज़मीन सिर्फ़ अपने गिरद स्पिन नहीं करती ज़मीन सूरज के गिरद भी स्पिन कर रही है तो ज़मीन की एक स्पिन 24 घंटे की और अगर ज़मीन तीन सौ पैंसठ मरतबा स्पिन करे तो वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से उसने आगाज़ किया था और इसे हम एक साल कहते हैं तो एक साल में तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं मैं आपको यहां पर ज़मीन की मुख्तल एनिमेशनस भी दिखा रहा हूं, लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि अगर ज़मीन अपने गिर्द घूम रही है तो फिर हम ज़मीन से गिरते क्यों नहीं या हमें महसूस क्यों नहीं होता कि ज़मीन अपने गिर्द घूम रही है तो इसका जवाब बहुत आसान है ये एक कन्फ्यूजन है जो बच्चों में पाई जाती है इसका जवाब बहुत आसान है मैं आपको एक ज़मीन की तस्वीर दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ज़मीन की जो हरकत है वो अगर आप इक्वेटर पर लें बीच में लें ज़मीन के तो वह तकरीब एक हज़ार मील फी घंटा है और ये हरकत ये स्पीड कॉन्स्टेंट है चेंज नहीं हो रही ज़मीन इसी तरीके से सर्कल में मूव करती जा रही है रोटेट करती जा रही है घूमती जा रही है घूमती जा रही है और उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है और जब स्पीड कॉन्स्टेंट होती है तो हमें ज़मीन की हरकत महसूस नहीं होती इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रेन में हैं और ट्रेन की खिड़कियां बंद हैं आपको पता नहीं है कि ट्रेन के बाहर क्या हो रहा है अब ट्रेन अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है तो आपको लगेगा कि ट्रेन बिल्कुल रुकी हुई है अगर झटके वगैरह नहीं है और बिल्कुल स्मूथ ट्रेन है तो आपको अंदर बैठे महसूस नहीं होगा कि ट्रेन मूव कर रही है अनलेस के ट्रेन या तो रुके या तेज़ी से स्पीड बढ़ाए या तेजी से स्पीड कम करे एक्सलरेट करे तो जब ट्रेन एक्सलरेट करेगी तभी आपको पता चल सकेगा कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं मैं आपको यहाँ पर स्काई डाइवर की एग्जांपल देता हूँ स्काई डाइवर जब छलांग लगाता है जहाज से तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ड्रैग एयर के ड्रैग की फोर्स एग्जर्ट होती है नीचे उसका वेट अप्लाई होता है अब वेट शुरू में ज़्यादा होता है फोर्स जो ड्रैग की है वो कम होती है तो वो नीचे की तरफ जाता है एक्सलेट करता है उसको पता चलता है वो ज़मीन पर गिर रहा है लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाती है जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं तो ड्रैग की फोर्स ऊपर बराबर है नीचे वेट की फोर्स के तो अब क्या हुआ अब वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ नीचे गिर रहा है उसको ये लगेगा कि वो फ्लोट कर रहा है उसको नहीं फील होगा कि वो नीचे की तरफ़ एक्सरेट कर रहे हैं उसको ऐसे लगेगा जैसे वो फ्लोट कर रहे हैं तो हम जब भी ज़मीन पर मौजूद होते हैं तो ज़मीन कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रही है और इसी वजह से हमें मैंने पता नहीं चलता कि ज़मीन घूम रही है और ज़मीन की जो एटमॉस्फेयर है वो भी उसके साथ कॉन्सटेंट स्पीड के साथ फ्लोट कर रही है रोटेट कर रही है तो गाड़ी से तो अगर बाहर अपना मुंह निकालेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा क्योंकि बाहर हवा बड़ी तेज़ी से मूव करेगी क्योंकि गाड़ी इस तरफ को जा रही है लेकिन ज़मीन की हवा और ज़मीन के एटमॉस्फेयर तो उसके साथ रोटेट कर रही है इसलिए आपको आसमान में बादलों को देख कर पहाड़ों को देख कर ज़मीन को देख कर हर चीज़ को देख कर एहसास नहीं होता कि ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं रोटेट कर रही हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कांस्टेंट स्पीड के चलती हुई बस के अंदर आप बैठ के आराम से सो सकते हैं अब ज़मीन पर भी बिल्कुल उसी तरीके से सो सकते हैं और ज़मीन के अगर बाहर निकले तो वहाँ पर वैसे ही वैक्यूम है तो इसलिए ज़मीन की रोटेशन को देखने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा जिस तरीके से इस बस की जो कि कौनसेंट स्पीड से चल रही है या इस ट्रेन की जो कि कौनसन स्पीड से चल रही है इसकी मूवमेंट को देखने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये चल रही अंदर बैठे हुए हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता अनलस के वो या तो डी एक्सलरेट करें यह एक्सलेट करें असल मैम दिन इम्तिया और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन ज़मीन के चार मौसम हैं कैसे बदलते हैं साइंसदानों ने और इंसानों ने इस पर बहुत रिसर्च की शुरू शुरू में इंसान ये समझता था कि ज़मीन का सूरज के गिर्द जो चक्कर है जो ऑर्बिट है उसके सेंटर में सूरज मौजूद नहीं है सूरज एक तरफ को है तो इसका मतलब यह है कि जब ज़मीन उसके पास जाती है तो गर्मियाँ आ जाती हैं जब ज़मीन उससे दूर जाती है तो सर्दियाँ आ जाती हैं ख़ज़ा और बाहर के बारे में हमने सोचा ही नहीं लेकिन इसमें एक कबाहत है इस मफरूज़े में एक कबाहत है अगर हम सूरज के करीब गए तो सारी ज़मीन पर गर्मियाँ आनी चाहिए लेकिन जून के महीने में पाकिस्तान हिंदुस्तान एशियाई मुल्कों में ज़्यादातर में तो गर्मियाँ होती हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ होती हैं और जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ होती हैं और पाकिस्तान में सर्दी होती है अब साइंसदानों को ख़्याल आया कि शायद हमारी ये जमशन गलत है और उसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीन तिरछी है बिल्कुल वर्टिकल अपने एक्सिस के गर्द रोटेट नहीं करती बल्कि थोड़ी सी तिरछी है और ये जो एंगल है इसे ज़मीन का टेट कहा जाता है पुरानी सिविलाइजेशंस ने इस एंगल को मेयर करने की बहुत कोशिश की उनको ये तो अंदाज़ा हो चुका था कि ज़मीन तिरछी है और इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप इक्वेटर पर एक पोल लगाएं और उसका बारह बजे साया देखें तो उसका साया नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ज़मीन सीधी है और आपने यहाँ पर एक पोल लगाया और सूरज इधर है तो उसका साया नहीं होना चाहिए लेकिन उसका साया मिला फिर इसी तरीके से इस रिसर्च को आगे बढ़ाते गए और हमने मुख्तलिफ़ जगह पर पोल्स लगाए ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर पर पोल लगाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर पोल लगाए ये सारे ट्रॉपिक हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा और उनके सायों को उनके शेडोस को स्टडी किया और उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ज़मीन सीधी नहीं है ज़मीन थोड़ी सी तिरछी और इस तरीके से वो मूव करती है तो सबसे पहली बात यह है कि ज़मीन में टेट मौजूद है मैं अगर आपको यहां पर ज़मीन की क्लाइमेटिक जोन और उसके ट्रॉपिक्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बीच में जीरो एंगल पर जो एक लाइन लगी हुई है यहां पर इक्वेटर है ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म होता है यहाँ पे बहुत बारिशें होती हैं उससे ऊपर चले जाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है फिर हमारे पास आर्टिक सर्कल है और सबसे ऊपर हमारे पास नॉर्थ पोल है इसी तरीके से अगर नीचे आए तो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन है एंटार्कटिक सर्कल है और फिर साउथ पोल है एंगल्स भी साथ आपको दिए गए हैं और इन्हीं चीज़ों से हमें वक्त का भी अंदाज़ा होता है और वक्त पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ ज़मीन को हम दो बड़े हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं जिसमें ऊपर वाले हिस्से को हम नार्दर्न हेमसफेयर कहेंगे नीचे वाले हिस्से को हम साउदर्न हेमसफेयर कहेंगे पाकिस्तान नार्दर्न हेमसफेयर में आता है जबकि ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमसफेयर में आता है जमीन की टेड को सबसे पहले एकोरेटली मेयर किया मिर्जा मोहम्मद तरग बिन शाहरुख इनको आसान जुबान में उलू बेग कहते हैं खलीफा मामून रशीद ने ज़मीन की टिल्ट को उसके तिरछेपन को मेयर करने के लिए बहुत ज़ोर दिया साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा काम किया मुख्तु ऑब्जर्वेटरीज़ बनी इस पर रिसर्च की लेकिन बहुत अरसे के बाद यानी 1424 में उलूक बेग ने अपनी एक ऑब्जर्वेटरी में इस टिल्ट को मेयर किया और जो टूल उन्होंने इस्तेमाल किया उसे सेक्सटेंट कहा जाता है जो कि एंगल मेयरमेंट का एक आला है और उन्होंने अपने इस आले से और अपनी इस ऑब्जर्वेटरी से जिसका इंटरनल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे जो डिग्री मेयर की कि कितने एंगल पर तिरछी है जमीन वह है तेईस अशारिया पांच डिग्री यहाँ पर आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं उनकी लैब की अब सवाल यह है कि जमीन में ये तिरछापन आया कैसे हम ये समझते हैं कि चार बिलियन साल पहले जब जमीन मार्ज वजूद में आ रही थी बन रही थी सोलर सिस्टम बन रहा था उस वक्त एक छोटा स्यारा जिसका नाम थिया है वो ज़मीन से आकर बड़ी ज़ोर से टकराया। इस टकराने की वजह से चाँद बना जो कि ज़मीन का ही एक हिस्सा है और इसी तरीके से ज़मीन अपने एंगल से तिरछी होगी और उसकी रोटेशन ये तिरछापन ये टेल्ट हमें सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स में नज़र आता है और उसकी वजह यही है कि सोलर सिस्टम के बनते हुए बहुत सी चीज़ें आकर उनसे टकराई और उनकी टेल्ट हमें आज वाजे नज़र आती है इवन एक प्लानट तो ऐसा है जिसकी रोटेशन ही डिफरेंट है अगर हम सूरज से निकलती हुई रोशनी की बात करें तो उसकी स्पीड रोशनी की स्पीड तीन लाख मीटर पर सेकेंड है सूरज से आठ मिनट के अंदर अंदर रोशनी ज़मीन पर पहुंच जाती है अगर ज़मीन सीधी है तो ये रोशनी इक्वेटर को सबसे ज़्यादा मुतासर करती लेकिन क्योंकि ज़मीन तिरछी है तो अब ये रोशनी उस हिस्से को ज़्यादा मुतासर करेगी जो उसकी तरफ टिल्टेड है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर पर 90 का एंगल नजर आ रहा है यानी रोशनी सीधी आके हिट कर रही है तो जो रेडिएशन सीधी आके हिट कर रही है, वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगी मतलब ये कि वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी गर्मी ज़्यादा होगी लेकिन अगर आप साउद नीचे हेमस्फेयर की बात करें तो वहाँ पर एंगल ज़्यादा है छियासठ का एंगल है तरतालीस का एंगल है वहाँ पर रोशनी की हिद्दत वो नहीं होगी क्योंकि वो एंगल पर आकर हिट कर रही है तो जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा ज़मीन का वहाँ पर गर्मियाँ होंगी और जो हिस्सा सूरज से दूर होगा वहाँ पर सर्दियाँ होंगी इस केस में इस तस्वीर में अपर हैमिस्फेयर जिसको नॉर्दर्न नॉर्दर्निस्फेयर कहा जाता है वहाँ पर गर्मियाँ होंगी यानी पाकिस्तान में गर्मियाँ होंगी इस वक्त साल का जो हिस्सा ये है जिस वक्त की तस्वीर हमने खींची है यहाँ पर पाकिस्तान में गर्मी है और नीचे ऑस्ट्रेलिया में सर्दी है आप ये एक्सपेरिमेंट एक बैटरी के साथ एक टॉर्च के साथ कर सकते हैं टॉर्च को सीधा ज़मीन के ग्लोब पर डालें और देखें जैसे ही आप ज़मीन को थोड़ा सा टेड करेंगे तो अब टॉर्च जिस हिस्से के करीब होगी वो हिस्सा ज़्यादा गर्म आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा और टॉर्च भी वहाँ पर ज़्यादा रोशनी करेगी जो हिस्सा तिरछा होगा वहां पर टॉर्च की रोशनी फैल जाएगी रोशनी तो उतनी तो है एरिया ज्यादा बढ़ गया इसका मतलब यह है कि वहां पर टेम्परेचर अब कम होगा मैं आपको यहां पर जमीन का मैदार ऑर्बिट भी दिखा रहा हूं सूरज के गिरद जो कि लॉफ्ट साइडेड है अगर आप देखें तो एक तरफ चौरानवे मिलियन का डिस्टेंस है जमीन का सूरज से जबकि दूसरी तरफ इक्यानवे मिलियन का डिस्टेंस है जून में आप देख सकते हैं कि जमीन ऊपर की तरफ होती है और जनवरी में सर्दियों में ज़मीन नीचे की तरफ़ होती है और दाएं और बाएं हमें ख़जा और बहार मिलती हैं तो ये ज़मीन की चार लोकेशंस हैं जो कि आपने याद रखनी है तो जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल जून के करीब जून के महीने में ज़मीन का नॉर्थ पोल सूरज के करीब होता है सूरज की तरफ होता है इस वजह से पाकिस्तान में गर्मी होती है और नीचे वाला हेमस्फेयर साउदर्न हेमस्फेयर दूर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड होती है लेकिन जब ये घूमता हुआ दूसरी तरफ जाता है तो अब उल्टा हिसाब हो जाता है अब साउदन पोल सूरज के करीब है जो कि आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है और नॉर्थ पोल या नॉर्थ हेमस्फेयर सूरज से दूर है तो अब पाकिस्तान में ठंड होगी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी अगर हम साइड की बात करें तो टेठ सूरज की इस तरह है और ज़मीन की इस तरफ होगी तो ऊपर गर्मी होगी अगर ज़मीन की इस तरफ होगी तो नीचे गर्मी होगी लेकिन अगर ज़मीन ऐसे होगी इस तरीके से तो क्या सूरज की रोशनी ज़मीन को अफेक्ट करेगी नहीं करेगी क्योंकि अब तो टिल्ट इस तरफ है इस तरफ तो है ही नहीं तो कोई चीज़ भी सूरज के करीब नहीं हो रही तो बहार में और ख़जा में ज़मीन का जो रुख होता है जो ओरिएंटेशन होती है वो ऐसी होती है कि रोशनी ज़मीन तक एक ही वक्त में पहुँचती है कोई हिस्सा ज़मीन का उसके करीब नहीं होता और कोई हिस्सा उससे दूर नहीं होता है की वजह से तो इस वजह से बहार और ख़ज़ा में नस्बता मौसम बेहतर होता है और एक जैसा ही होता है मैं आपको यहाँ पर ये चार तस्वीरें दिखा रहा हूँ इनको आप गौर से देखेंगे और आप देखेंगे मदार में जब ज़मीन घूम रही है उस डिपिक्शन को देखेंगे तो आपको ये बातें समझ आ जा जाएंगी अगर ज़मीन से ज़मीन पर एक ऑब्ज़रवर बैठा हुआ है अब आपने ये ग़ौर करना है कि मैं ज़मीन पर ऑब्ज़रवर बैठे हुए की बात कर रहा हूँ और वो सूरज को देख रहा है इसका कतन ये मतलब नहीं है कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूम गया ऑब्जर्वर देखने वाला ज़मीन पर है और वो सूरज को देखता है तो वो देखता है वो ड्रॉ करता है कि जून के महीने में सूरज कितनी हाइट पे था किस एंगल पे फिर वो देखता है कि मई में, में बारह बजे सूरज की क्या एंगल था क्या लोकेशन थी फिर वो अप्रैल में देख रहा है मार्च में देखता है और उसको एक पैटर्न नज़र आता है और वो पैटर्न ये है कि गर्मियों में जून के महीने में उस दिन जो कि सबसे लंबा दिन है और ज़्यादा रोशनी ज़मीन पर पड़ती है जिसे हम बाईस जून कहते हैं उस दिन सूरज सबसे ज़्यादा हाइट पर होता है ज़मीन के बिल्कुल ऊपर होता है उसकी रोशनी सीधी नाइन्टी के एंगल पर ज़मीन से टकरा रही होती है हमारे साए छोटे होते हैं गर्मियों के बारह बजे आपका साया छोटा होगा और अगर आप सर्दियों में बारह बजे अपना साया करेंगे तो वो साया बड़ा होगा अब सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा है जैसे जैसे साल गुजर रहा है सूरज तिरछा होता जा रहा है तिरछा होने की वजह से उसकी जो रेडिएशन है उसकी जो रोशनी है वो भी तिरछी पड़ रही है तो उनमें वो हरारत नहीं रह रही और अब वो ज़मीन को आहता आहिस्ता उतना गर्म नहीं कर पा रहा जितना कि वो जून में कर रहा था तो जून में क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि वो ऊपर से गुजरेगा ज़मीन के तो इसलिए जून में दिन बड़े होते हैं चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह घंटे का एक दिन होता है लेकिन सर्दियों में आप जनवरी में देखें तो बिल्कुल साइड से गुजर रहे तो अब उसकी रोशनी की हिद्दत भी कम होगी और दिन भी छोटा होगा क्योंकि सूरज ने थोड़ा ही तो फासला तय करना है गरूब होने के लिए तो वो देर से तलु होगा और जल्दी गरूब हो जाएगा लेकिन अगर गर्मियों में देखें तो वो पहले तलु होगा और देर से गरूब होगा तो दिन का जो टाइम है वो भी हमारे पास बहुत बढ़ जाएगा आपको ये तस्वीर भी ऐसा ही दिखा रही है आप देख सकते हैं कि अगर आप ज़मीन को एक सर्कल के तौर पर देखें दिन ऊपर वाला आधा सर्कल है और नाइट जो है रात वो नीचे वाला सर्कल है तो आप देख सकते हैं कि गर्मियों में आपको नजर आएगा कि सूरज बहुत ज्यादा ऑरेंज कलर का जो आपको सर्कल नजर आ रहा है बहुत ज्यादा फासला तय कर रहा है जमीन के ऊपर वाली साइड पर और सर्दियों में देखें तो आपको ये सूरज का फासला सर्कल कम नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का जो कि ज़मीन के ऊपर है तो सूरज का फासला और सूरज की मंजिलें कम है सर्दियों में तो इस वजह से गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में दिन कम होते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने मौसमों के बारे में बताया बताया कि टेट किस तरीके से हमने डिस्कवर की और दिन गर्मियों में क्यों बड़े होते हैं और सर्दियों में क्यों छोटे होते हैं मैं हूँ इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन हमारी दुनिया सिर्फ स्पेस से ही खूबसूरत नहीं नजर आती अगर हम अपनी दुनिया को करीब से देखें तो दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है कहीं आपको बर्फ से ढकी हुई चोटियां मिलेंगी और कहीं फूल पौधे और सरसब्ज पहाड़ कहीं पानी बहता हुआ मिलेगा नेचुरल वर्ल्ड कुदरती दुनिया को देखकर हमेशा बहुत खुशी होती है लेकिन दुनिया की खूबसूरती ज्यादा अरसे रहेगी नहीं क्योंकि हम पूरी कोशिश में हैं कि हम दुनिया को ज्यादा से ज्यादा गंदा करें हम अपने गलियों मोहल्लों को साफ सुथरा नहीं रखते और ना ही ख्याल रखते हैं कि किसी तरीके से हम अपने घर का कूड़ा किसी खास जगह पर डंप करें। जब हम छोटे होते थे तो बॉय स्काउट एंड गर्ल्स गाइड का कॉन्सेप्ट बहुत आम था हम बाहर निकल जाते और गलियों की सफाइया करते हमारे मोहल्ले साफ सुथरे होते थे एक दिन ऐसे ही हम सफाई कर रहे थे तो मैंने देखा एक गोरे ने क्रिकेट खेलते हुए बहुत जोर से शॉर्ट मारी बॉल मेरे पास होती हुई आगे गई और एक बहुत बड़े गड्ढे में जाकर गिरी मैं सोचने लग गया इतना बड़ा गड्ढा आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा गहरी जगह कौन सी है मेरा यह सवाल था क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गहरी जगह कौन सी है तो मैं आपको लेके चलता हूं एक ट्रेंच की तरफ एक जगह जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास है जिसे मैरियाना ट्रेंच कहते हैं और ये जगह ग्यारह हजार मीटर गहरी है 11 किलोमीटर ये जगह समंदर के नीचे है तो दुनिया में कुदरती तौर पर सबसे गहरी जगह ये ट्रेंच है लेकिन इंसान ने अपनी रिसर्च की खातिर दुनिया में बहुत गहरे घड़े भी खोद रखे हैं मसलन मैं आपको रशिया के इस बोरहोल के बारे में बताता हूं जो कि एक सीरीज है होल्स की जिनमें सबसे गहरा सुराख जो कि सिर्फ 9 इंच का है वो बारह किलोमीटर के करीब गहरा है यह सुराख रशिया में किया गया था ताकि ये साइंसदान ये देख सकें कि जमीन के नीचे क्या मौजूद है और जमीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं लेकिन हमें इस सुराख के जरिए कुछ चीजों का पता चला मसलन हमें कुछ फासले पर सिंगल सेड ऑर्गेनिज्म मिले पानी मिला और हमें यह भी पता चला कि इस सुराख के दूसरी तरफ बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और उससे नीचे हम जा नहीं सकते तो ये सुराख 12 किलोमीटर गहरा था मैंने आपको मरियाना ट्रेंच के बारे में बताया वो 11 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर पर जमीन इससे बहुत ज्यादा गहरी है जमीन के ऊपर प्याज की तरह लेयर्स पर लेयर्स तह पर तह चढ़ी हुई है हम एक तय को हटाएंगे तो जमीन की दूसरी तय हमें नजर आना शुरू हो जाएगी तो मैंने आपको जमीन का एक मॉडल दिखाया है और इसमें सबसे ऊपर हमारी एटमोस्फेयर है जिस पर एक अलग वीडियो की जरूरत है कि इसकी सात लेयर्स भी कैसी होती हैं उसके बाद हम वो जगह पर आ जाते हैं जहां पर पहाड़ नहरे समंदर हर चीज हमें नजर आती है और उससे नीचे जब हम जाते हैं तो हमें जमीन का जो हिस्सा मिलता है उसे हम मेंटल कहते हैं जो कि 2900 किलोमीटर गहरा है और उसके बाद हमारे पास जमीन की कोर आती है जो कि 2266 किलोमीटर गहरी है और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है 4000 से 5700 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कोर का होता है जमीन की जमीन का मैंने आपको एक कटआउट मॉडल दिखाया आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर क्रस्ट होती है उसके बाद मेंटल होता है मेंटल की भी दो स्टेजेस होती है अपर मेंटल होता है और फिर लोअर मेंटल होता है और उसके बाद हमारे पास कोर आती है जिसमें आउटर कोर होती है और फिर एक गेंद जैसी शक्ल इनर कोर कहलाती है और जमीन के बाहर जो आपको ब्लू कलर नजर आ रही है ये इसकी एटमोस्फेयर है तो मेंटल की तरफ चलते हैं मेंटल के दो हिस्से होते हैं अपर मेंटल और लोअर मेंटल ये जिसे हम नॉर्मली मेंटल कहते हैं अपर मेंटल सेमी मोल्टन फॉर्म में मौजूद होता है जबकि लोअर मेंटल या मेंटल सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे आपको मैंने बताया था कि जमीन प्याज की तरह लेयर्स से बनी हुई है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जमीन की लेयर्स आपको दिखाई गई हैं जिसके बीच में एक बॉल है जिसे हम कोर कहते हैं और यहां पर हमें एक आउटर कोर भी नजर आ रही है यहां पर हमें एक आउटर कोर भी नजर आ रही है आपका सवाल ये होगा कि जमीन इतनी गर्म क्यों है जमीन के अंदर की कोर इतनी गर्म क्यों है मैं आपको लेके चलता हूं उस वक्त जब जमीन पैदा हुई थी उस वक्त जमीन बहुत ज्यादा गर्म थी और यहाँ पर जमीन पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा थे जमीन पर बहुत ज्यादा वॉलैनिक एक्टिविटी होती थी आतिश फिशाम फटते थे और आहिस्ता आहिस्ता बारिशों की वजह से जमीन ठंडी होनी शुरू हो गई वॉलैनों से जो लावा निकलता था वो भी सख्त होता गया और उसने चट्टान बनानी शुरू कर दी फिर पौधे आ गए और पौधे निकलने की वजह से जमीन की शक्ल बिल्कुल ही बदल गई लेकिन आज भी अगर हम जमीन की सिमुलेशन कंप्यूटर पर चलाएं तो हमें अंदाजा होगा कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा हीट इंजन छुपा हुआ है और ये इंजन जिसकी इनर कोर सॉलिड है आयरन की बनी हुई है उसके बाहर एक आउटर कोर भी है जो कि मोल्टन फॉर्म में है जो कि लिक्विड फॉर्म में है और ये आयरन जो लिक्विड फॉर्म में है ये मूव करता है स्वेल करता है घूमता है ये लिक्विड आयरन घूमता है स्वेल करता है मूव करता है क्योंकि ये चार्ज होता है और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इसके घूमने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जिसे हम जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं आप देख सकते हैं कि ओशन और रॉक्स जो हैं ये जमीन के क्रस्ट पर मौजूद हैं नासा ने एक बहुत बड़ी स्टडी की और एक सिमुलेशन बनाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि जमीन की कोर बिल्कुल सॉलिड है जबकि आउटर कोर में आपको लिक्विड एक्टिविटी नजर आएगी और उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फील होती है लिक्विड कोर जो है ये इसका रेडियस 760 माइल्स है और ये तकरीबन 1220 किलोमीटर इसका डायमीटर होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का हमें बहुत ज्यादा फायदा है और इसकी वजह से ही दुनिया पे लाइफ एग्जिस्ट करती है जिंदगी एग्जिस्ट करती है और उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि सूरज से जब भी खतरनाक पार्टिकल जमीन की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनको अपनी तरफ खेच कर डिफ्लेक्ट कर देती है और वो जमीन से टकरा नहीं पाते इसलिए जमीन पर जिंदगी फल और फूल रही है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बैट्समैन बहुत जोर से शॉट लगाता है और छक्का लगा देता है इसी तरीके से सूरज से जब भी खतरनाक सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशंस आती हैं तो हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोटेक्ट करती है एक शील्ड की तरह हमें छुपा लेती है तो अगर जमीन के अंदर हीट इंजन मौजूद ना होता जिसे हम कोर कहते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती और ज़मीन पर जिंदगी भी एग्जिस्ट ना करती इसलिए हमें अपनी जमीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए इसे साफ सुथरा रखना चाहिए अपने मोहल्लों को साफ सुथरा रखना चाहिए और सफाई को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए असल मैं हूँ अधिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन पाकिस्तान के शुमाली इलाके नॉर्दर्न एरियाज बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं हर साल हज़ारों आए इन इलाकों को देखने के लिए जाते हैं सो हमने सोचा कि हम भी इन इलाकों में घूम कर देखते हैं अपने प्यारे मुल्क को देख कर और भी ज़्यादा खुशी हुई एक हफ्ता वहाँ पर रहकर हम वापस आ रहे थे कि मैंने रस्ते में सड़क के किनारे कुछ स्कूल के बच्चे देखे मुझे लगा कि वो रास्ता भूल चुके हैं मैं उनके साथ हो गया और उनके स्कूल चला गया लेकिन वहां पर मैंने एक बहुत ही शरारती बेटी को देखा वह आंखें बगैर झपके मेरी तरफ लगातार मतवातर देख रही थी मेरे क़रीब आने पर उसने कहा अंकल क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मैंने खूब चौड़े होकर कहा बेटा पूछो क्या सवाल है तो बेटी ने कहा कि अंकल ये बताएं जमीन गोल है हमें कैसे मालूम हुआ मैं हंसने लगा और मैंने कहा यह तो बहुत आसान सवाल है जमीन के गोल होने के वैसे तो कई दलाइल दिए जा सकते हैं जो कि मैं एक अलग वीडियो में दे चुका हूं लेकिन सबसे कार दलील यह है कि आज 80 से ज्यादा मुल्क अपनी सेटेलाइट जमीन के गिर्द घुमा रहे हैं और जब एस्ट्रोनॉट्स जो उन सेटेलाइट में हैं वो जमीन को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जमीन गोल है बेटी ने बगैर मुतासर हुए मेरी तरफ देखा और कहा कि फिर हमें यह कैसे पता चला कि जमीन के अंदर क्या है हम ये कहते हैं कि जमीन के अंदर लिक्विड भी है कोर भी है लेकिन जमीन के अंदर तो हम कभी गए ही नहीं इसका आप क्या जवाब देंगे मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोच में पड़ गया सवाल बहुत ही ज्यादा मुश्किल था मुझे मालूम हो चुका था कि बेटी ने मुझे लाजवाब करने की ठान ली है जब भी जमीन पर जलजले आते हैं तो जलजले की जगह से शॉक वेव्स सिस्मिक वेव्स या वाइब्रेशन वेव्स निकलती हैं और जमीन के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती हैं इन सीज्मिक वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक आला होता है जिसे सिज्मोग्राफ कहा जाता है यह सिज्मोग्राफ मुख्तलिफ स्टेश पर दुनिया में हर जगह मौजूद होते हैं जो ये देखते रहते हैं कि कहाँ पर किस वक्त कितनी शदत का जलजला आया सिज्मिक वेव सिर्फ अर्थ Earth, क्विक या जलजले से ही जनरेट नहीं होती किसी बड़े एक्सप्लोजन धमाके की वजह से भी जनरेट हो सकती हैं और अगर जमीन पर बिजली गिरे तो उससे भी सिज्मिक वेव्स जनरेट हो सकती हैं मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि सिज्मिक वेव्स दो किस्म की होती हैं पहली किस्म को हम सरफेस वेव्स कहते हैं और दूसरी किस्म को बॉडी वेव्स कहते हैं सरफेस वेव्स जमीन के ऊपर जमीन की सतह पर ट्रेवल करती हैं जिसमें हमें लव वेव्स और वेव्स नजर आ रही हैं जबकि बॉडी वेव्स जमीन के अंदर मूव करती हैं जमीन के अंदर ट्रेवल करती हैं जिसमें हमें प्राइमरी या पी वेव्स और सेकेंडरी एस वेव्स नजर आ रही हैं तो मैं आपको यहाँ पर सरफेस वेव दिखा रहा हूं ये देखें ये एक पॉइंट है जहां से वेव्स जनरेट हुई सिज्मिक वेव्स जनरेट हुई सरफेस वेव हमेशा जमीन की सतह के ऊपर जाएगी और जहां पर हमारे डिटेक्टर्स हैं वो सिस्मोग्राफ उनको डिटेक्ट करेंगे जबकि सिस्मोग्राफ जमीन के अंदर से आने वाली बॉडी वेव्स को भी डिटेक्ट करेंगे तो मैंने आपको यहां पर दोनों किस्म की वेव्स दिखाई हैं तो सरफेस वेव्स को हम पहले डिस्कस करते हैं और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा लव वेव्स तो जब भी लव वेव ट्रेवल करती है प्रोपोगेट करती है तो पार्टिकल्स वेव की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं अब देखें वेव्स यहाँ से आगे की तरफ जा रही है लेकिन पार्टिकल्स दाएं बाएं मूव कर रहे हैं इसी तरीके से रेले वेव्स में ज़मीन ऊपर नीचे मूव करती है वेव्स राइट साइड पर जा रही है लेकिन ज़मीन ऊपर नीचे मूव कर रही है और ज़मीन के हिस्से एक सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं मैं आपको यहाँ पर लव वेव की एक किस्म दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेव जो है वो राइट साइड पर ट्रेवल कर रही है लेकिन ज़मीन के हिस्से बाहर की तरफ स्क्रीन के बाहर की तरफ और स्क्रीन के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं मैंने लव वेव के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स दे दी हैं ताकि आप इसे पढ़ सकें लव वेव्स जनरली रिले वेव से ज़्यादा तेजी से ट्रेवल करती हैं और रिले वेव्स को रोल वेव भी कहा जाता है

होती हुई महसूस होगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको एक रिले वेव दिखाई है और आप इसमें सर्कुलर मोशन देख सकते हैं और इससे अंदाज़ा हो सकता है कि वेव कैसे प्रोड्यूस होती है हम यहाँ पर बात कर रहे थे लव वेव की तो आप देखेंगे लव वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है लेकिन आप अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो ये पॉइंट बाहर और अंदर की तरफ मूव होगा अपनी जगह रहेगा लेकिन बाहर और अंदर की तरफ मूव होगा रिले वेव में देखें आपको ये पॉइंट सर्कल में मूव करता हुआ नजर आएगा आप देखें रिले वेव आ रही है और ये उस जगह पर एक सर्कल में मूव कर रहा है वेव एक ही तरफ ट्रेवल कर रही है अब हम दूसरी वेव की तरफ आते हैं मेरे पास यहां पर एस वेव है तो आप एस वेव को देखें जब हम एस वेव जनरेट करते हैं तो ये इंटरनल वेव्स होती हैं और आप देखें तो आपके पास जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो ऊपर और नीचे की तरफ है आप देखें ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जबकि यहाँ पर लव वेव में पार्टिकल अंदर और बाहर की तरफ जाता था यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगे इसी तरीके से पी वेव देखें पी वेव में आपको पार्टिकल आगे और पीछे जाते हुए नजर आएंगे वेव की डायरेक्शन वही है लेकिन आप देख सकते हैं कि पी वेव में यही पार्टिकल्स या यही रॉक्स आगे और पीछे जाती हुई महसूस होती हैं इस एक स्लाइड से आपको चारों वेव्स के डिफरेंस का पता चल जाएगा यहां पर भी आप देख सकते हैं मैं आपको यही एक चीज दिखा रहा हूं कि हमारे पास यहां पर एक स्लैब है और उस स्लैब के अगर एंड पर एक हथौड़ी से एक हैमर से स्ट्राइक की जाए तो आपको यहाँ पर एक पी वेव जनरेट होती हुई नजर आएगी जो आगे की तरफ जा रही है ये पी वेव जनरेट हो रही है लेकिन अगर मैं उसी हथौड़ी से उसी हैमर से साइड पर स्ट्राइक करूं तो आपको एक एस वेव जनरेट होती हुई नजर आएगी देखिए कि आपकी स्लैब दाएं बाएं डी शेप हो रही है यह आपको एक एस वेव नजर आएगी तो पी वेव में हम एक स्ट्राइक लगाते हैं बिल्कुल पिछली तरफ और एस वेव में हम स्ट्राइक लगाते हैं राइट साइड पर ताकि हम इनको डिपेक्ट कर सकें एस वेव्स के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वह लिक्विड या गैस में से नहीं गुजर सकती वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से ट्रेवल करती हैं और उसकी वजह यह है कि सॉलिड्स में हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है एटम्स के दरमियान और जब भी हम हैमर की एक स्ट्राइक करेंगे तो क्योंकि एटम्स एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ इस वजह से वो मूव करेंगे एक लेयर आगे की तरफ निकल जाएगी और दूसरी लेयर पीछे रह जाएगी जिसको हमने स्ट्राइक किया होगा वो आगे निकल जाएगी और दूसरी पीछे रह जाएगी तो वो उसको वापस खींचेगी और एक स्प्रिंग की तरह ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे लेकिन एस वेव्स लिक्विड और गैसेस में इसलिए नहीं मूव कर सकती कि वहाँ पर हमारे पास इन दो लेयर्स के बीच में जो बाकी बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड्स होते हैं और उस वजह से अगर मैं हथौड़ी या हैमर की एक जर्ब लगाऊंगा तो मेरे पास एक लेयर तो बिल्कुल आगे की तरफ जाएगी लेकिन उसके साथ कनेक्टेड दूसरे बॉन्ड्स इतने वीक हैं कि सात वाली लेयर बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी जबकि सॉलिड में ये आइटम्स भी मूव करते थे इस वजह से अब ये एक प्राइमरी वेव बन जाती है पी वेव बन जाती है एस वेव नहीं रहती तो एस वेव लिक्विड्स और गैसेस में से मूव नहीं कर सकती और उसकी वजह उनके वीक बॉन्ड्स होते हैं अब हम एस वेव और पी वेव के ट्रेवल को देखते हैं तो हमारे पास ये एक पॉइंट है जहां पर सोर्स बनी सिज्क वाइब्रेशन की और वहां से एस वेव जनरेट हुई और पी वेव जनरेट हुई एस वेव लिक्विड और गैस में से नहीं गुजर सकती पी वेव्स गुजर सकती है तो अब हम सिज्स वेव्स को देखते हैं एक कार ली है और मेरे पास दो किस्म के मीडियम है ब्राउन कलर में आपको कीचड़ नजर आ रहा है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और ये एक स्लो मीडियम है तो हमारे पास गाड़ी आ रही है और गाड़ी जैसे ही पास पहुंचेगी अब वो सीमेंट पर गई तो सीमेंट क्योंकि कम फ्रिक्शन दे रहा है उसके राइट टायर को तो उसका राइट टायर तेजी से मूव करेगा जबकि लेफ्ट टायर अभी भी मड में है कीचड़ में है इसलिए इसे फ्रिक्शन ज्यादा मिल रही है तो ये स्लो मूव कर रहा है राइट टायर ज्यादा तेजी से मूव करेगा इसलिए ये गाड़ी कर्व कर जाएगी मुड़ जाएगी और ये गाड़ी मुड़ेगी लेफ्ट साइड की तरफ तो आप देखें कि यहां पर यह गाड़ी मुड़ते हुए इस तरीके से अपना पाथ चेंज कर लेगी इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है अगर इसी सीनारी को मैं उल्टा कर दूं तो अब गाड़ी राइट साइड पे मुड़ जाएगी और उसकी वजह यह है कि ये राइट टायर अब मड में चला गया जहां पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है और लेफ्ट साइड पर हमारे पास फ्रिक्शन कम है इसलिए गाड़ी का पहिया तेजी से मूव करेगा तो गाड़ी राइट साइड पे मुड़ना शुरू हो जाएगी और राइट साइड पे मुड़ते हुए सीधी चली जाएगी इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है अब अगर ये गाड़ी बिल्कुल सीधी आए तो इसके दोनों टायर एक ही वक्त में मड में घुसेंगे तो दोनों पर फ्रिक्शन एक जैसी होगी और गाड़ी सीधी की सीधी चली जाएगी इसका मतलब ये है कि जो वेव्स सीधी आएंगी जमीन की कोर को कट करेंगी वो सीधी गुजर जाएंगी लेकिन जो भी वेव्स एंगल पर आएंगी कुछ एंगल बनाएंगी उनमें आपको रिफ्रैक्शन होती हुई नजर आएगी हम यहाँ पे दो केसेस ले लेते हैं पहला केस ये है कि जमीन की डेंसिटी यूनिफॉर्म है चेंज नहीं हो रही तो एक आतिश फटा एक वॉलैनो फटा और वहां से एक वेव जनरेट हुई जिसको मैंने गाड़ी से दिखाया तो वो वेव इस लेयर से होती हुई इस लेयर से होती हुई स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी और उसकी वजह यह कि जमीन में डेंसिटी जमीन के अंदर चेंज नहीं हो रही लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता जमीन में क्योंकि रॉक प्रेशर होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इसलिए जमीन के अंदर जाते जाते उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जैसे ही किसी लेयर की डेंसिटी दूसरी लेयर से बढ़ती है तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता टेल्ट करना शुरू कर देगी और यह डिपेंड करेगा कि वो किस एंगल से जमीन के अंदर जा रही है तो हमें अब गाड़ी या वेव टेल्ट करती हुई नजर आएगी और यह फिना सबसे पहले हमें बताया एंड्रीजा ने मैं पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं इस नाम के साथ ज्यादा नहीं करना चाहता इसलिए मैं एंड्रीजा कहूंगा जिन्होंने नाइनटीन ओ नाइन में एक बहुत बड़ा आया और उसको काफी ज्यादा एनालाइज किया और जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि सोर्स से दो हमारे पास सिज्वोमीटर दूर थे तो उन्होंने एनालाइज किया कि जितना दूर सिज्वोमीटर होते हैं उतना ज्यादा टाइम चाहिए सिस्मिक वेव को वहां तक पहुंचने के लिए तो अगर ये सिस्मोमीटर ज्यादा दूर है तो इसको ज्यादा देर चाहिए अगर इससे भी दूर कोई सिस्मोमीटर होगा उसको और भी ज्यादा टाइम लगेगा वेव को वहां तक आने के लिए उन्होंने इस चीज को प्लॉट करना शुरू कर दिया और उनका ख्याल था कि डिस्टेंस और टाइम के में एक स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन दो किलोमीटर के बाद उनको यह एहसास होना शुरू हुआ यहां पर आप देखें ये दो किलोमीटर है दो किलोमीटर तक यह स्ट्रेट लाइन रही लेकिन उसके बाद जो वेव्स आना शुरू हुई उन्होंने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू कर दिया अब आप देखें ये ये लाइन इसकी स्लोप कम है ये उनके लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि आखिर वेव्स कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस क्यों ट्रैवल कर रही हैं और फिर उनको एहसास हुआ जमीन की डेंसिटी चेंज होती है और जमीन की डेंसिटी के चेंज होने की वजह से वेव्स कर्व करती हैं और वो डिस्टेंस जल्दी ट्रैवल कर लेती हैं यहां पर मैं यही बात आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है जहां से वेव्स जनरेट हो रही हैं और वेव्स हमारे पास हर तरफ को आ रही है एस वेव्स हैं लेकिन जैसे ही एस वेव किसी ऐसी चीज से टकराएगी जो लिक्विड से बनी होगी या गैस से बनी होगी तो एस वेव उसमें एबजॉर्व हो जाएगी आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगी और जब हम यहां पर मौजूद तमाम सीज्मीटर के स्टेशन से देखते हैं तो हमें नजर आता है कि यहां पर ग्रे एरिया में हमें कहीं भी एस वेव नजर नहीं आती इसका मतलब यह है कि येलो कलर का ये जो हिस्सा है या तो ये लिक्विड है और या ये गैस है और फर्दर इस पर बात करने से हमें अंदाजा हुआ कि यह लिक्विड है तो अब हम ये जान चुके थे कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी गेंद है जो कि लिक्विड से बनी हुई है उसके बाद हमने पी वेव्स का बिहेवियर देखा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एस वेव भी हैं और पी वेव्स भी आ रही हैं तो पी वेव्स देखते रहे लेकिन लिक्विड से और सॉलिड से रिफ्रेक्ट होती हैं और हमें जमीन के दूसरी तरफ पर स्टेशन्स पर मिलती हैं उनकी रिफ्रैक्शन से हमें कुछ और अंदाजा होना शुरू हुआ और वो अंदाजा ये हुआ कि जमीन के अंदर इनर कोर सॉलिड है और इसकी कैलकुलेशंस हमने उन की रिफ्रैक्शन से की क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जितना ज्यादा डेंसर मटेरियल होगा उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी और जितना कम डेंसर मटेरियल होगा उतनी कम रिफ्रैक्शन होगी तो एंगल से हमने निकाला कि जमीन के अंदर साख कैसे और हमें पता चला कि जमीन के अंदर मेंटल भी है कोर भी है और फिर इनर कोर भी है यही चीज मैंने आपको यहां पर दिखाई है तो आप देख सकते हैं कि एस वेव्स कैसे बिहेव करती हैं और पी वेव्स कैसे बिहेव करती हैं और इनकी बेसिस पर हमने जमीन के इंटरनल स्ट्रक्चर का एक मॉडल बनाया मज़े की बात यह है कि विकिक के नाम पर ट्रस्ट और मेंटल के बीच में एक जो हिस्सा है उसको रखा गया क्योंकि उन्होंने एक बहुत अहम चीज़ के बारे में बताया और ज़मीन के इंटरनल पार्ट्स के बारे में हमें कैलकुलेशंस करके एक मॉडल दिया इसलिए उनके नाम को रिकग्नाइज़ करने के लिए इस लेयर का नाम उनके नाम पर रखा गया बच्चे की आंखें अभी भी वैसे ही खुली थी मैंने कहा बेटी आंखें बंद कर लो वरना ठंड लग जाएगी तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए